बिहार की राजधानी पटना समेत कई राज्यों में भीषण सितम जारी है। नमस्कार, जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। बता दें कि इन दिनों आम लोगों को ठंड के मद्देनजर काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यूं कहें तो उन लोगों का जीना करकराती ठंड के मौसम में दुष्भर हो रहा है। जगह जगह लोग भीषण ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के आईएएस अधिकारी डीएम चंद्रशेखर सिंह अपने अपने विचारों और मतों को लेकर काफी सुर्खियों में। हालांकि बिहार की राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा, अपर मुख्य सचिव के पाठक से उनकी कोई बहस या विवाद नहीं है, लेकिन दोनों ने एक एक लेटर जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ध्यान आकृष्ट करवाया। हालांकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के बीच स्कूल खोलने के मुद्दों को लेकर खासतौर पर विवाद शुरू हुआ। हालांकि पटना के सीएम चंद्रशेखर सिंह का कहना था कि उनकी अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ कोई मतभेद नहीं है। वही एक तरफ डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि क्षेत्राधिकार से बाहर होकर शिक्षा विभाग को अधिकार नहीं है कि वो धारा 144 आमतौर पर लगाने की पहल करे। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि ये अधिकार सिर्फ डीएम के पास मुख्य तौर पर होता है। उन्होंने शिक्षा विभाग को यह बात जान लेने की बात कही। हालांकि डीएम ने यह भी कहा कि सीआरपीसी को इस विषय के मद्देनजर अध्ययन करने को कहा। अचानक हालत को देखते हुए मैंने ये आदेश जारी किया है। बहरहाल के पाठक ने ठीक इसके विपरीत स्कूल खोलने की बात आमतौर पर कहा था। हालांकि के पाठक के लेटर हर जगह पहुंचने से पूर्व पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने स्कूल में भीषण ठंड की हालत के मद्देनजर 23 जनवरी तक छुट्टी का फरमान मुख्य तौर पर जारी किया था। खासतौर पर इसी चीज को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवादों का सिलसिला हालांकि शुरू हुआ। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से जो एक पत्र जारी किया गया, उसमें स्पष्ट तौर पर यह पूछा गया था कि बच्चों को सिर्फ स्कूल जाने से क्यों रोका गया, घर से बाहर नहीं निकलने पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। हालांकि शिक्षा विभाग ने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को कानूनी राय लेने को कहा। खबरों के मद्देनजर आपको बता दें कि पटना के डीएम ने शिक्षा विभाग को एक लेटर जारी किया था। हालांकि उस पत्र के जवाब में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए लिखा। बता दें कि शिक्षा विभाग और बिहार की राजधानी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के बीच स्कूल बंद करने को लेकर विवाद काफी तेज होता दिख रहा है। वही दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा केंद्र के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीएम के लेटर में जवाब में मंगलवार को लिखा कि आपने शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर अपना निर्देश 21 जनवरी को किया। उन्होंने पटना के डीएम को कहा कि अपने आदेश से पटना के शीतलहर के कारण बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के मद्देनजर जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का निर्णय किन परिस्थितियों पर आधारित है, इनकी जानकारी विभाग को नहीं दिया गया और न ही इस चीज को लेकर इस पत्र में जिक्र किया गया। हालांकि विभाग ने यह भी कहा कि अगर आपको स्कूल बंद करना ही था तो पहले विभाग को अनुरोध कर सकते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग आपके इस तरह के आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दे रहा है। हालांकि विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि आंख मूंद कर सरकारी स्कूलों पर 144 लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह के नियंत्रण के लिए शिक्षा विभाग है। उन्होंने खासतौर पर विभाग से राय और मशवरा लेने की बात भी कहा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जयहिंद भारत न्यूज पर। खबर की तुरंत अपडेट पाने के लिए जयहिंद भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।